हेलो दोस्तों। मैं अभी आपको कोहा का डेमो वर्जन चला के दिखा रहा हूँ कि कैसे इस पे काम होता है, कैसे हमारा लाइब्रेरी में जो हम बुक इशू कराते हैं, बुक रिटर्न करते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोहा के बारे में और कोहा कैसे काम करता है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको अभी यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गूगल पे बाय वाटर सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद हमें कोहा डे जैसे आएगा, ये आपको ऐसे ओपन हो जाएगा हमारा पेज। और जैसे ही हम इस पर करेंगे, कोहा डेमो पे हम क्लिक करेंगे। कोहा डेमो पे जाने के बाद कोहा ऐसे हमारा पेज आ गया। तो जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो ये देखिए ऐसा पीएफ आ गया, ठीक है। तो जब आप इसमें लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप एक स्टाफ के उसमें काम करेंगे। तो स्टाफ के उसमें काम करें तो स्टाफ क्लाइंट की तरह आप काम काम करते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करना है, कोहा स्टाफ स्टाफ क्लाइंट डेमो, ठीक है। जिसमें आपको आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि यहाँ पे यूजर और पासवर्ड दे रखा है, क्योंकि ये डेमो वर्जन है तो हम इसे सबका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा इसका बाय वोटर और बाय वोटर, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। ये आपका ऐसा होगा, मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है तो इसमें इसलिए ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो सर अभी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्विजिशंस क्या होता है, जैसे कि जब भी आप कोई लाइब्रेरी बिल्ड करते हो तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है, बिल्ड द कलेक्शंस, इंफॉर्मेशन को बिल्ड करना। तो ये इंफॉर्मेशन को बिल्ड कैसे करेंगे, जब हम बुक्स खरीदेंगे, जर्नल्स खरीदेंगे, अपनी लाइब्रेरी में जितने भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उस चीज़ को इकट्ठा करेंगे, तब जाके हम अपना लाइब्रेरी का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एक्विजिशंस पे हम जैसे जाते हैं, ये मैं जा रहा हूँ एक्विजिशन पे, तो इसमें आता है न्यू वेंडर। न्यू वेंडर का मतलब होता है कि कोई भी फर्म जहाँ से आप खरीदना चाहते हो अपनी किताबें, बुक्स, जो भी आप खरीदना चाहते हो, सीडी, बेसिकली इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स, जो भी आप खरीदना चाहते हो, हम इसमें जाएंगे। बेसिकली आप अभी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम न्यू वेंडर पे जाएंगे, ठीक है। न्यू वेंडर अभी देखिए हमारा ऐसे आ गया अभी, क्योंकि मैं आपको डेमो वर्जन बता रहा हूँ तो अभी मैं इसको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस हम इसके रिक्वायर्ड, ये सामने लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, ये रहा यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ रिक्वायर्ड जो फील्ड है उन पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप रिक्वायर्ड फील्ड नहीं भरोगे तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नाम डाल देते हैं, इसका नाम जैसे कि कंपनी का, जैसे कि हम डाल देते हैं, आप लोगों ने सबने काफी फेमस नाम सुना होगा, अरिहंत पब्लिकेशंस, है ना। चलो तो मैं इसको टाइप कर देता हूँ एक बार, ये हो गया। अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन पे लिखने के बाद आप ये बाकी डिटेल्स आप देना चाहते हो दे सकते हैं, फोन एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर, टैक्स, वेबसाइट, अगर कोई अकाउंट नंबर है, ठीक है। ये है कॉन्टैक्ट नेम, अगर आप डायरेक्ट, अगर कोई पब्लिशर है वो डायरेक्ट तो आपका बुक नहीं करेगा, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका जो पर्सनल डिटेल अगर कोई है तो आप उसकी इसमें डाल सकते हैं। ये अभी यहाँ पे ये आपका आपकी जो प्राइस है वो किस में, कौन सी करेंसी है, यूरो है, यूएसडी है, जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैक्स कितना है, आपको डिस्काउंट कितना चाहिए, और डिलीवरी पीरियड के आपको कितने दिनों में बुक्स चाहिए, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो अगर आप दो अलग अलग वेंडर से बुक ऑर्डर करते हैं तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को आप 15% डिस्काउंट दे रहे हैं ले रहे हैं, एक से आप 15% डिस्काउंट ले रहे हैं, दूसरे से आप 10% ले लेंगे, नहीं, वो दैट थिंग विल बी सेम, है ना। तो वो चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, ये चीज हम याद रखेंगे। ये आ गया, तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारा अरिहंत पब्लिकेशन, हमारी जो है वेंडर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसमें जैसे हमें बुक्स को ऑर्डर करना है तो न्यू बास्केट, बास्केट को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है जिसके आप जिसके अंदर आपका बहुत सारा सामान है। उस कंटेनर को ऐसा ऐसा नाम देना है कि जिसमें वो अंदर का सामान सारा कवर हो जाए, है ना। तो मैं इसमें अभी इसमें न्यू बास्केट करूंगा, न्यू बास्केट, ये आया हमारा आ गया, ठीक है। तो बास्केट का नाम जैसे कि मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बुक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। सो मैंने दोस्तों देखो, मैंने ये फिल कर दिया है, मैंने लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये मैंने कर लिया, बिलिंग प्लेस, ईस्ट ब्रांच, डिलीवरी प्लेस, वेंडर, हरियंत पब्लिकेशन है, ठीक है। ये सब मैंने, अब इसको हम सेव कर लेंगे। ये हमारी बास्केट क्रिएट हो गई, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब हमें ये हमारी बास्केट क्रिएट हो गया, हमारा कंटेनर आ गया। अब इसमें हमें सामान डालना है ना, हमें अपनी बुक्स ऑर्डर करनी है ना। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड टू बास्केट करेंगे। लेकिन जो याद रखना, जब भी आप इसको बनाए अपनी बास्केट का नाम याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग इग्नू से हैं और आप लोगों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो एक एक स्टेप याद रखना, आप बास्केट का क्या नाम बना रहे हैं ना, और उसके बाद आपका कंटेनर जो है उसका क्या नाम है, आपकी जो आपने ये वेंडर बनाया उसका क्या नाम है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बुक्स ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये रहा यहाँ पे फ्रॉम अ न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड, क्योंकि हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरू से करते हैं, न्यू से करेंगे, ठीक है। फ्रॉम अ एम्प्टी न्यू रिकॉर्ड, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्या, हमारा टाइटल क्या था उसका बास्केट का, हमारा टाइटल था क्या था, सॉरी मैं भूल गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, कॉम्पिटिटिव। तो हम इसमें डाल देंगे जनरल नॉलेज की बुक चाहिए हमें ना, GENERAL, जनरल, KNOWLEDGE, जनरल नॉलेज। ऑथर उसका कोई भी, आर के सिन्हा मैं डाल रहा हूं, आर के सिन्हा, ठीक है। उसके बाद नीचे भी है पब्लिशर कौन है, एडिशन है, पब्लिकेशन ईयर है, ये सब आप डाल सकते हो। ये आप कब डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स है उसका ऑर्डर कर रहे हो। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें डाल दी, ये रिक्वायर्ड फील्ड हमने भर दी, जनरल नॉलेज है। अभी हम देख रहे हैं कि अभी ये ऐसे, ये बाकी डिटेल्स आप देख, इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम ये क्या कहते हैं, क्योंकि अभी हम डिटेल उसका डेमो वर्जन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैंडेटरी नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे पास इसका फुल वर्जन नहीं है, क्योंकि हम इसका डाटा सेव नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मांग रहा है क्वांटिटी, है एक और रिक्वायर्ड फील्ड है यहाँ पे, ये रहा है ना। अभी ये क्या कह रहा है कि भाई क्वांटिटी कितनी चाहिए आपकी, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, टाइप ही नहीं हो रहा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ पे ऊपर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, ऐड मल्टीपल आइटम्स, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सामने खुल गया। ओ इसमें हमें जितनी भी कॉपी चाहिए वो हम डाल सकते हैं, मैंने मान ले 10 डालनी है, ठीक है, 10 मैंने लिख दी तो ऐड कर देंगे। ये अभी प्रोसेस कर रहा है, हो रहा है, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे 10, ठीक है। आपका फंड कहाँ से जाएगा, मैं रिफरेंस सेंटर रिफरेंस कर दे रहा हूँ, जैसा आपकी जैसे लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग जहाँ से ही फंड जाता है मैं रिफरेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। उसका फिर वही आ गया, मैंने बताया था आपको टैक्स, डिस्काउंट, रिटेल प्राइस है ना, सारा वही है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये बैड गेटवे सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अभी यहां पे हमारी ये बुक, हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसे मल्टीपल बुक्स भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड टू बास्केट करके आप 1, 2, 3 कितने भी ऑर्डर आपको इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्लोज बास्केट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्लोज बास्केट, यस। ये पूरा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू क्लोज बास्केट कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक्स, मैंने कहा यस आई वॉन्ट टू क्लोज इट, है ना। देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि रिसीव शिपमेंट, आपने ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर आपके पास आ गया तो
तो आप इस पे बता सकते हो कि मुझे ऑर्डर मिल चुका है, रिसीव मेरी जो शिपमेंट थी वो मुझे रिसीव हो चुकी है। तो ऐसे रिसीव शिपमेंट पर क्लिक करेंगे, इस जहाँ पे बिल नंबर जो भी आपका बिल नंबर होगा, मैं यहाँ से डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 जो भी है, ठीक है मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, हम डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, सेव्ड। अब यहाँ पे देखा रिसीव्ड, रिसीव ट्रांसफर है ना, ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अभी हमारा एक वेंडर क्रिएट हो गया, उसमें बास्केट क्रिएट हो गया, हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। चलो कोई गल नहीं है, अभी जैसी एक्विजिशन आया, बुक्स आ गई, तो आप क्या, उसके बाद क्या काम आता है ना, उसके बाद क्या था, कैटलॉगिंग आएगी, तभी तो कैटलॉगिंग आएगी, तो आपको पता होगा बुक्स कहाँ पे है, कैसे है ना कैटलॉगिंग। तो यहाँ पे ये देखिए कैटलॉगिंग हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है, ये रहा हमें किसकी बुक्स, जिसकी भी आपको बनाना है कैटलॉग कार्ड, वो कैटलॉग डिटेल्स ठीक है वो हम बता देंगे, वो उसमें डिसाइड चूज कर लेंगे। मैंने चूज कर लिया बुक्स एंड जर्नल्स, ये आ गया मार्क टू वन फॉर्मेट होता है दोस्तों, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ठीक है ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती ठीक है। जैसे मैं इस पे देख रहा हूँ, ये मेरा कर्जर है यहाँ पे, मैं इस पे जैसे अंदर क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, हमें इसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है जैसे ये आएगा, और ध्यान रखना दोस्तों जैसे ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये रेड है, एस्टरिस्क बोलते हैं इसको, ये मैंडेटरी फील्ड है, जब तक आप मैंडेटरी फील्ड नहीं करोगे आप जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है ये चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। ये अदर जैसे आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप कैटलॉग कार्ड बनाते हैं ना, उसमें सारी डिटेल देते हैं, टाइटल, उसके बाद ऑथर्स, एडिटर्स, PNY होता है, पब्लिश्ड, पब्लिकेशन ईयर, पब्लिकेशन न्यू, उसके बाद न्यू ईयर, हाँ PNY होता है ना, पब्लिकेशन कौन सा है, ठीक है उसके बाद ईयर कौन सा है, एनसे मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, बट मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है चलिए। और आप देखो देखना 0 से लेकर 3 तक तो आपको करना कंपलसरी है, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट 9 पे जा सकते हो, ठीक है इसकी ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 1 to 1 जाना चाहते हो तो वो भी सही है, लेकिन अगर आपको इसको सेव करना है और बनाना है तो 0 से लेकर 3 तक तो आपको जाना कंपलसरी है, उसके बाद आप डायरेक्ट 9 पे जा सकते हो, ठीक है चलिए। तो मैं 2 पे 1 पे जा रहा हूँ, ये आ गया, अभी यहाँ पे आ रहा है कि पर्सनल नेम है ना, तो पर्सनल नेम ऑथर का हमने क्या डाला, आरके सिन्हा डाल देते हैं, आरके सिन्हा था बुक का नाम, आरके सिन्हा, ठीक है चलिए। नंबर 2 पे आ जाते हैं, देखिए टाइटल, ये मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे है ना, टाइटल क्या डालना था हमें, क्या था, जनरल नॉलेज डाल देते हैं ना, GENERAL जनरल, NOWLEDGE जनरल नॉलेज है ना। उसके बाद इसके ABC है, रिमाइंडर ऑफ टाइटल, अगर उसका टाइटल कोई हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम उसके कहते हैं एक मूवी थी जैसे टॉयलेट, एक प्रेम कथा क्या है उसका अलग से टाइटल है, तो हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हैं, मीडियम क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप BLIS स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना, कैटलॉग कार्ड में हम इसका यूज करते हैं, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को है ना। उसके बाद 3 पे जाएंगे, एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट क्या होता है, ये फिर से एक मैंडेटरी फील्ड है, एक्सटेंट क्या होता है, पेज कितने हैं उसमें है ना, 650 मैंने पेज कर दिए, उसका फिजिकल डिटेल क्या है, कितना बड़ा है क्या नहीं है ना, डायमेंशन कितनी है ना उसकी डायमेंशन, उसके बाद मटेरियल कैसा है, कंपनी मटेरियल, टाइप ऑफ यूनिट कितनी है, साइज ऑफ यूनिट कितनी है, सारा आप डाल सकते हो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट 9 पे जा रहा हूँ, चलिए ये आ गया 9। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आइटम टाइप है ये आइटम टाइप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी बुक है ना, तो बुक हम इसमें चूज कर लेंगे, एडिशन है कोई, क्लासिफिकेशन पार्ट है जो भी, ठीक है ये सब हम देख के कर लेंगे। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे, ये कह रहा है स्टार टैग हैज सब फील्ड 0 फिक्स्ड लेंथ कंट्रोल फील्ड इन टैब 0, तो इसमें कह रहा है कोई हमारी जो डिटेल है, जो मैंडेटरी फील्ड है वो हमने फिल नहीं की है, वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा,
ठीक है, तो अभी इसमें हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। ये रहा फिक्स लेंथ, ठीक है, ये फिक्स लेंथ मैंडेटरी फील्ड है, ये आ गया हमारा, क्लिक हो गया, ये हमने कर दिया। ठीक है, अभी सेव कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब ये लेबल मार्क है, एक लाइब्रेरी वाले का है, जैसे हम देखते हैं हमने क्या क्या डाला, कैसे डाला, कैसे नहीं। ठीक है, मार्क फॉर्मेट में हमने ये ऐसे आएगा, लेकिन जब एक नॉर्मल यूजर, जब हम जब यूजर इस बुक को देखेगा तो वो कैसे देखेगा, वो नॉर्मल पे जाके देखेगा। नॉर्मल जैसे होगा, हम क्लिक करेंगे तो ऐसे, जब वो बुक को चेकआउट करेगा तो वो इसको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा। तो जैसे ही हमारा कैटलॉगिंग भी स्टार्ट हो गया, तो कैटलॉगिंग का आपको पता चल गया होगा। अभी मैं आ रहा हूँ वापस, एक्विजिशंस का आपको पता है, कैटलॉगिंग का पता है, तो अभी क्या आते हैं, अब हम पैट्रॉन्स पे आते हैं। ठीक है, पैट्रॉन्स होते हैं मोस्टली बेसिकली लाइब्रेरी के मेंबर्स होते हैं, जिसको आप मेंबरशिप देते हो। ठीक है, मेंबरशिप देते हो, जो आप जिसको आप बुक इश्यू करते हो, वो कोई भी हो सकता है, फैकल्टी हो सकती है, स्टाफ हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या पब्लिक लाइब्रेरी है तो चाइल्ड जो हो सकते, बच्चे भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे न्यू पैटर्न क्रिएट करेंगे हम, चाइल्ड, फैकल्टी, अभी हम स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ले रहा। सो ये आ गया हमारा, बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी कैटेगरी थी ना, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इन सब में क्या होता है, इनको अलग अलग फायदे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टाफ है, स्टाफ को क्या होता है, हम चीज कुछ ज़्यादा बुक्स इश्यू कर सकते हैं ना, ऐसे करके। कोई लाइब्रेरी का स्टूडेंट है जो बैचलर्स कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, उसको चार बुक को इश्यू कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं ना, इस तरह उनकी एक कैपेसिटी होती है, उनको अलग तरीके से फायदा होता है। ठीक है, ये सैल्यूटेशन या कोई भी आपको नाम के आगे लगाना है, मिस्टर, मिस, मिसेस, ठीक है, जो भी लगाना है। रिक्वायर्ड नेम, सर नेम आएगा, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, SAIFI, सैफी, टैब फारूक, FARUKH, फारूक। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल जो भी है आप फिल कर सकते हैं। मेरी जो मैं वो डाल रहा हूँ, आपकी या फिर आप किसी की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इसको मेंबरशिप देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कुछ भी जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्टैक्ट ये मैं फिल खाली छोड़ रहा हूँ, बाकी इन सब का आपको पता ही होगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है। ठीक है, और फिर से ये एक मैंडेटरी फील्ड आ रही है, रिक्वायर्ड, हर चीज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, सरकार का एक यूनिक आईडी देती है आपको, है ना, यूनिक आईडी, वो सबका अलग होता है। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहीं भी, तो आपको एक, या फिर आपके आधार कार्ड है ना, सबका एक यूनिक नंबर होता है जो सबका अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा। तो वैसे ही लाइब्रेरी भी आपको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूनिक नंबर प्रोवाइड करती है, तो वो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन भी है, कार्ड नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 32 कैरेक्टर्स, इसमें इतने कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ अभी, लेकिन बाकी अभी देखा 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ये डाल दिया। ठीक है, कार्ड नंबर, ईस्ट ब्रांच, स्टूडेंट कैटेगरी पहले से सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। ठीक है, मेंबरशिप आपकी होती है ना कि भाई 1 साल में एक्सपायर 2 साल में एक्सपायर, तो अभी आज इसमें 28 दिन है, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 साल की मेंबरशिप देनी है, तो 21 आ जाएगा 28 दिन, है ना, तो मैं ये कर देता हूँ 2 साल की इसकी मेंबरशिप, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अभी कोर्स होते हैं 3 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम वो देते हैं। ये नोटिफिकेशन एरिया है, आपका ईमेल है जो वो आपने डाला है, उस पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको हर एक आपकी एक्टिविटी की उसकी ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये आ गया हमारा पैटर्न बन चुका है, मेंबरशिप हमें दे चुकी है, यहाँ से हम फोटो अपलोड कर सकते हैं, किसी की फोटो लगानी है, ठीक है, जो भी आपको लग करना है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं आप, सारा ऑप्शन है। ठीक है, अभी हमारा एक्विजिशन हो गया, हमने बुक्स मंगा ली लाइब्रेरी में, हमने उनको बुक में स्टोर कर दिया, उनको कैटलॉगिंग भी कर ली हमने, है ना, हमने
मेंबरशिप के लिए स्टूडेंट्स फैकल्टीज सब आने स्टार्ट हो गए है ना। अब वो लोग हमसे क्या कह रहे हैं कि आप बुक्स दो, हमें बुक्स इश्यू करनी है। तो बुक्स इश्यू कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, या दो तरीके हैं इसके, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, चेकआउट चेक इन। चेकआउट मतलब बुक इश्यू करना और चेक इन मतलब बुक रिटर्न करना। ठीक है, यहाँ मैं होम पे चला जाता हूँ। होम पे सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन सेक्शन में जाएंगे तो ये आ गया चेक इन चेकआउट, चेकआउट चेक इन। ठीक है, ये है। तो अभी मैं चेकआउट पे कर देता हूँ, ये आ गया। तो यहाँ पे अब क्या करना है, आपको जो यूनिक नंबर दिया था, कार्ड नंबर जो दिया था, वो हमें क्या करना है, वो यहाँ पे डालना है। जैसे मैं डालता हूँ 1 2 3 4 डाला था, 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। कितने नाम आ गए? अब्राहम है, यह सबसे नीचे मेरा नाम आ चुका है, फारूक सैफी। ठीक है, ये लो, मैंने इसको, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे ऐसे क्या चेकआउट करेंगे। तो अभी बेसिकली हमारे पास बुक नहीं है। हम जो आपने आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी में लोग जो हमें बुक इश्यू करते हैं वो बारकोड से स्कैन करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे बारकोड स्कैनर होता तो हम उससे कर देते। ठीक है, हमारे पास बुक भी नहीं है तो हम उसका बारकोड भी अवेलेबल नहीं, तो वो कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी एक बुक का नाम डाल देंगे, तो ये उसका कोई कीवर्ड डाल देंगे, सामने लिखा हुआ है यहाँ पे एंटर आइटम बारकोड और कीवर्ड। ठीक है, एंटर आइटम बारकोड और कीवर्ड है ना, तो कीवर्ड डाल देंगे तो ये हमें खुद से, ये डेमो वर्जन है तो ये हमें खुद सजेशन दे देगा कि आप कौन सी बुक इश्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश डाल देता हूँ, या नोवेल डाल देता हूँ, NOVEL। ठीक है, अब मैं चेकआउट पे क्लिक किया, जैसे ही ये इतने सारे सजेशन आ गए, सजेशन आने के बाद ये बुक्स हैं, इनमें से किसे चेकआउट करना है, मैं इसको कर देता हूँ सिटी ऑफ लाइट चेकआउट। अब देखना, यहाँ पे देखना आप, ये एक चेकआउट हो गया, हमने इसको एक बुक इशू कर चुके हैं। हम यहाँ शो चेकआउट पे हम डिटेल देख सकते हैं येरी। ठीक है, 4/11 को टुडेज चेकआउट। ठीक है, सिटी ऑफ लाइट बाय बेलर लॉरेन, ये इसका ये है बारकोड नंबर। ठीक है, अब ये हमने बुक इशू कर दी इससे। ठीक है, बुक इशू करने के बाद एक ड्यू डेट भी आती है, इसके बाद वो ऑप्शन आया नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। जैसे एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, अगले बार इंग्लिश डाल देता हूँ, इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश डाले, चेकआउट पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे आ गए, क्राइम एंड मिस्ट्री यहाँ पे है तो मैं इसको चेकआउट कर दूंगा। ठीक है, दो बुक्स हमारी क्या हुई, वो हो गई, इश्यू हो गई। यहाँ पे एक ड्यू डेट का ऑप्शन और आता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप कितने दिन के लिए आप इसमें बुक को इशू करना चाहते हो वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये दो यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखना, दो बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपने जो इसको आप इशू कर चुके हो। ठीक है, दो बुक इशू हो चुकी है, अब इसको रिटर्न करना है। कैसे करेंगे? इसके भी दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। तो पहला तरीका तो यह है, चेक इन पे जाएंगे, फिर उसका कार्ड नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, और सबमिट कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, ये है हमारा, ये था, यहाँ पे हम बारकोड नंबर डालेंगे, उसका बारकोड जो था, हमने क्या मिस्टेक की वहां पे, मैंने कॉपी नहीं किया उसका बारकोड नंबर, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो मैं एक बार फिर उस पर चला जाता हूँ, एक बार सर्कुलेशन सेक्शन में, एफ ये रहा सबसे ऊपर फारूक सैफी है, इस पे मैं क्लिक कर लूंगा एक बार। ठीक है, चेकआउट पे क्लिक किया मैंने, 1 2 3 4 5 डाला, फारूक सैफी आ गया, ये रहा, इस पे क्लिक किया, ये दो बुक्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये दो बुक्स इसको इश्यू हैं। ठीक है, ये बारकोड है यहाँ पे टी सर स्विच बिल्कुल नीचे, इसको मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, कॉपी। ठीक है, अब मेरे को इसको रिटर्न करनी है, इसको बुक चेक इन पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 से कार्ड नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, जैसे आपको ये ऐसे बुक आएगा, यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर देंगे,
पेस्ट हो गया, यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट कर दे, जैसे आप कहो आपकी बुक जो है वो रिटर्न हो चुकी है, दिस आइटम नीड्स टू बी ट्रांसफर टू नॉर्थ ब्रांच, ठीक है, यस। तो हम इसको यस कर देंगे और ये हमारा कन्फर्म हो गया। जैसे आप देखें यहाँ पे दो बुक्स थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का छोटा सा कॉलम है, वहाँ पे दिखा रहा है एक, ठीक है, एक दिखा रहा है, इसका मतलब एक बुक हमारी जो है वो क्या हो चुकी है, रिटर्न हो चुकी है, ठीक है। सो बेसिकली अभी हम किस पे आएंगे, अभी हम, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको हम कैसे वो इसको बुक को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चेकआउट पे जाएंगे, ठीक है, हम फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से वहीं पे वापस आ गए हैं। ये चेकआउट है, शो डिटेल्स पे हम करें, शो चेकआउट करेंगे, इनमें ये बुक है ना, एक हमने रिटर्न कर दी, एक रहती है, तो इसकी यहाँ साइड में कॉलम हल्का छोटा सा ये इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। दिख रहा है हल्का छोटा सा कॉलम है, इसको हम जैसे ही क्लिक कर इस पे टिक करेंगे, लास्ट में छोटा सा ये लिए है रिन्यू और चेक इन आइटम्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये बुक जो है चेक इन हो जाएगी। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी, अब वो निशान हट गया और यहाँ पे चेक इन लिखा हुआ आ गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों जैसा आप जानते हो कि आप बुक इशू भी कर चुके हो, रिटर्न भी कर चुके हो, ठीक है, हम वापिस होम पे चले जाएंगे, ठीक है। आपको अभी पता है हमने एक्विजिशंस किया, जहाँ पे हमने बुक्स ऑर्डर किया, अपनी लाइब्रेरी में कलेक्शन किया, कलेक्शन जो है वो बिल्ड किया, ठीक है, कैटलॉगिंग हमने उस बुक्स उन बुक्स की कैटलॉगिंग की है ना, उसके बाद पैटर्न्स बनाए, उसके अंदर पैटर्न्स हमें मेंबरशिप अलाउ की, लोगों को पढ़ना लिखना स्टार्ट कराया है ना, उसके बाद उन लोगों की डिमांड आई कि भाई हमें बुक्स चाहिए, तो हमने पैटर्न सर्कुलेशन में जाकर उनको बुक इशू की और रिटर्न करी है ना। उसके बाद सीरियल जर्नल्स हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, न्यू सब्सक्राइब सीरियल जर्नल्स क्या होता है, आपका मंथली आता है, कोई जर्नल होता है, सीरियल्स होते हैं, क्या सीरीज होती हैं, क्या होती है, एडिशन में आता है क्या, मंथली आ रहा है, ईयरली आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ों का हम सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं और हमारा वो ई फॉर्मेट में हमारा वो आता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कोहा का जो आपका डेमो वर्जन है, जैसे आप इसको कैसे यूज करते हैं, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आपको अगर किसी भी और चीज़ के बारे में अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें इस चीज़ के बारे में जानना है। अगर आपको वीडियो में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज़ों कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।